और BBL बिग बैश लीग सीजन 13 लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एडलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी थंडर लाइव फ्रॉम एडलेड ओवल बिग बैश गेम 8 टाइम टू टॉस एंड टीम सिडनी थंडर वॉन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट पूर टीम स्क्वाड एडलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस सिडनी थंडर एडलेड स्ट्राइकर्स मैथ्यू शॉ डेविड शॉ लिस लेन जैक वॉल एडम्स डेविड वॉर्नर एंड सिडनी थंडर एलेक्स एलकम स्वार्ट्स मैथ्यू ग्रिग्स। गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं सिडनी थंडर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बारे में। सिडनी थंडर ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और बैटिंग करते हुए टीम सिडनी थंडर ने पहले 20 ओवरों में 200 रन का टारगेट दिया था एडिलेड स्ट्राइकर्स को। बहुत ही ज़बरदस्त हिटिंग और परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने ये टारगेट एडिलेड स्ट्राइकर्स को दिया 20 ओवर्स में। सिडनी थंडर के एक प्लेयर बैनक्रॉफ्ट कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट ने 74 स्कोर बनाए 54 बॉलों पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और शॉट्स के साथ। उसके बाद जो एरोस थे उन्होंने 46 रन बनाए थे और बाकी टीम तकरीबन ऑलमोस्ट 10 और 20 रन बना कर ही आउट हो गई थी। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा टारगेट था एडिलेड स्ट्राइकर्स को 200 रन का, और इनके लिए चेस करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि 200 रन का टारगेट 20 ओवर में बहुत ही अच्छा टारगेट होता है। और पहले बैटिंग करते हुए और उसके बाद सेकंड बैटिंग करते हुए टारगेट चेस करते हुए दूसरी टीम पर बहुत प्रेशर होता है इतना स्कोर बनाने का। बहुत ही अच्छा जो स्कोर था, बहुत ही अच्छा टारगेट था जो सिडनी थंडर ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को दिया था, और ये चेस करना बहुत आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था इतना हदफ चेस करना और सेकेंड बैटिंग करते हुए 200 रन का और प्रेशर का होते हुए भी ये सेकेंड जो स्कोर है 200 रन का चेस करना। सेकेंड बैटिंग स्टार्ट होती है सिडनी थंडर की, सेकंड बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड बैटिंग एडिलेड स्ट्राइकर्स के जो ओपनर हैं वो मैथ्यू शॉ जो कि उनके कैप्टन हैं वो हैं, और साथ उनके एंडी शॉ। मैथ्यू शॉ ने तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इस मैच में। अब मैथ्यू शॉ ने 82 रन बनाए हैं 41 बॉल्स पर, जिसमें उन्होंने 5 4s और 6 6 लगाए थे, 200 रन का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने ये हक अदा किया कि वो इस कैप्टन थे और उन्होंने अपनी कैप्टनसी का हक भी अदा किया है। उसके बाद डी शॉ ने भी 66 रन बनाए हैं 47 बॉल्स पर। डी शॉ ने भी उनके साथ अपने कैप्टन के साथ भरपूर ये मैच जीतने में और मैच को जितवाने में उन्होंने उनका भी बहुत अहम किरदार रहा है। मैथ्यू शॉ और डी शॉ ने दोनों ने मिलकर बहुत ही एक हाई पार्टनरशिप बनाकर इस मैच को विन किया है, और बहुत ही ईजीली जो ये मैच था वो एडिलेड स्ट्राइकर्स 8 विकेट से वो जीत गई है। पहले इन दोनों टीम के स्कोर का अपन नज़र डालते हैं और दोनों टीमों के बैटर्स और बॉलर्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं। थंडर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 200 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर पहले 20 ओवर में। उनके ओपनर थे बैनक्रॉफ्ट और एलेक्स हेल। बैनक्रॉफ्ट 36 स्कोर बनाकर आउट हो गया और एलेक्स हेल ने 18 स्कोर बनाए और 18 स्कोर बनाकर आउट हो गए। उसके बाद एम ग्लिक्स जो कि थंडर के विकेट कीपर हैं वो पहले बॉल पर ही आते साथ आउट हो गए। उसके बाद डेवियस ने 32 स्कोर बनाए 17 बॉलों पर और 188 रन रेट था उनका स्ट्राइक रेट था। उसके बाद आरोस 40 स्कोर बनाए 26 बॉलों पर और 176 उनका स्ट्राइक रेट था, और 176 स्ट्राइक रेट के बाद 40 स्कोर पे वो आउट हो गए। डी सैम ने 2 बॉलें खेली हैं तो 1 स्कोर बनाया और उसके बाद वो आउट हो गए। उसके बाद एम सी एंड्रयू 22 स्कोर बनाए 10 बॉलों पर और 220 उनका स्ट्राइक रेट था, और उसके बाद वो आउट हो गए। उनके बाद सी ग्रीन जो कि थंडर्स के कैप्टन थे उन्होंने 3 स्कोर बनाए 2 बॉलों पर, उसके बाद वो आउट हो गए। एल हैचर पहली बॉल पर ही आते साथ आउट हो गए। टीम थंडर को 4 स्कोर एक्स्ट्रा मिले हैं 1 पाए 3 वाइड, और टीम थंडर के जो प्लेयर नहीं खेले वो एक है संगा, उनका स्ट्राइक रेट 73 था, और दूसरे थे जमान खान जिनका स्ट्राइक रेट 200 था। बिग बैश लीग 2023-2024 का 8वां मैच था जिसमें सिडनी स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। बैटिंग करते हुए उन्होंने 200 स्कोर बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर पहले 20 ओवर में। सेकंड बैटिंग करते हुए लीग स्ट्राइकर्स ने 205 स्कोर बनाए 19-4 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर, और एडलिक स्ट्राइकर्स ये मैच 6 विकेटों से जीत गए। मैच के प्लेयर ऑफ द मैच मैथ्यू शॉ रहे हैं जिन्होंने 82 स्कोर बनाए हैं 41 बॉलों पर, 1 विकेट हासिल की है और 43 रन दिए हैं 3 ओवरों में। थी गाइस बिग बैश लीग के 8वें मैच की वीडियो एडलिक स्ट्राइकर्स वर्सेस सिडनी थंडर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।